दिल्ली में हुए G20 समिट की जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है। विश्व की महाशक्तियां भारत की कूटनीतिक दाव का लोहा मान चुकी है। भले ही कांग्रेस ने G20 को लेकर राष्ट्रपति की ओर से आयोजित भोज का बहिष्कार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक जीत के मुरीद हो चुके हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसको लेकर बधाई दी है, लेकिन दूसरी ओर लालू यादव G20 समिट को पैसों की बर्बादी कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। लालू को रास नहीं आया G20, कांग्रेस के लीडर हो गए मुरीद। G20 का अब तक का सबसे बड़ा भव्य और कामयाब समिट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। G20 की मेजबानी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर भारत की कामयाबी का एक मील का पत्थर है। जिस तरह नई दिल्ली घोषणा पत्र को भारत मंजूरी दिलाने में कामयाब रहा, उसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारत की इस कामयाबी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। विश्व के पेचीदा मसले को हल करने पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। So the Delhi Declaration is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. आप सभी का पूरे विश्व में भारत की कूटनीतिक जीत की वाहवाही हो रही है, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव G20 के आयोजन को पैसे की बर्बादी करार दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इससे जनता का क्या फायदा हुआ। देश की जनता को क्या फायदा होगा? लोगों को बुला के इतना खर्चा कर देश का प्रॉपर्टी बर्बाद कर दे, देश के आम जनता को क्या फायदा होगा? शशि थरूर भारत के सबसे पढ़े लिखे लीडर्स में से एक। शशि थरूर को पता है कि G20 में हुई डील भारत और विश्व पटल पर कितना अहम है, लेकिन लालू यादव का सवाल जनता को लुभाने के लिए पूछा गया है। क्या लालू यादव बता सकते हैं कि आज तक किसी भी सम्मेलन का प्रत्यक्ष और तत्काल फायदा जनता को मिला है? सम्मेलन में समझौते होते हैं जिसका आने वाले दिनों में असर दिखता है। देवघर से विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।